इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा है इंदौर में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल। पिपलियाहाना चौराहे पर बन रहे स्विमिंग पूल का निरीक्षण करने आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार पहुंचे। स्विमिंग पूल को फीना फेडरेशन के मुताबिक ही बनाया जा रहा है। फीना फेडरेशन के अनुसार ही इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन सभी जगह होती है। स्विमिंग पूल इंदौर शहर के लिए बड़ी सौगात होगा। इसके बाद यहाँ इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन हो सकेगी। करीब 70,000 स्क्वायर फीट पर बन रहे स्विमिंग पूल में 100 लोगों के बैठकर स्विमिंग एक्टिविटी और कंपटीशन देखने की व्यवस्था भी की गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बना रहा है। इस स्विमिंग पूल की क्या खासियत होगी, इंटरनेशनल लेवल की क्या प्रतियोगिता यहाँ हो सकती है, इस संबंध में हमने आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार जी से बात की, उनसे जाना कि किस तरीके का काम होगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। किस तरीके की प्लानिंग है इंटरनेशनल स्विमिंग पूल की आईडीए के द्वारा? ये इंदौर देखिए हर दिशा में बढ़ रहा है, स्वच्छता में नंबर वन है और अन्य चीज़ों में भी, पर्यावरण में भी आगे बढ़ रहा है। तो उसी दिशा में ये हमारा प्रयास है कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल भी यहाँ बनाया जाए जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ होती रहें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फीना फेडरेशन है उससे सर्टिफिकेशन होना, तो जो उसके नॉर्म्स हैं जो हमारे द्वारा स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है उसी के अनुसार बनाया जा रहा है। ये लगभग 70,000 स्क्वायर फीट है और इसमें जो आप देख रहे हैं दर्शक भीड़ है, ये लगभग 1200 लोगों को बैठने की क्षमता है। इसमें डाइविंग पूल अलग है, स्विमिंग पूल अलग है और जो नए न्यू कमर्स सीखने के लिए उनके लिए अलग है। साथ ही साथ इसका पूरा मेंटेन करने के लिए भी पूरी व्यवस्थाएँ इसमें की गई हैं, जो रेस्टोरेंट है, चेंज रूम है, कैंटीन है, सभी व्यवस्थाएँ हैं। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है बड़ी जगह पे पार्किंग के लिए, तो पार्किंग के लिए भी इसमें सेपरेट व्यवस्था है, अंडरग्राउंड पार्किंग है। इसके अतिरिक्त जब ओवर क्राउडेड होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, तो बगल में एक और जगह है, वहाँ हम लोग स्पोर्ट्स एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट पर और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। लगभग 200 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ होगी, जो फोर व्हीलर है, टू व्हीलर भी और ज़्यादा होंगे इससे। तो उद्देश्य ये है कि एक अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हम लोग डेवलप कर सकें, लोगों को एक अच्छा वातावरण यहाँ दे सकें और स्विमिंग के लिए लगातार प्रमोट करने की आवश्यकता अभी तक महसूस होती रही है, तो उसमें ये जो हमारा स्विमिंग पूल है ये सहायक हो सकता है। अब तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए, ये प्रोजेक्ट अभी अपना तेज गति से काम कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी तक हम लोग इसको पूरा कर।